चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ न्यूरॉन, न्यूरॉन एनाटॉमी एंड न्यूरॉन फंक्शन। ठीक है, ये बेसिक सेल्स होते हैं तो हम पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखें फर्स्ट एड की बुक में देखें न्यूरॉन इतना सा लिखा हुआ है, कहाँ पे गया न्यूरॉन? हाँ जी, ये हमारे पास लिखा हुआ है न्यूरॉन इतना सा, लेकिन ये थोड़ा सा, लेकिन हमने इसको डिटेल में देखना है तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं डिटेल में, उसके बाद फिर हम इसको वहाँ से रीड कर लेंगे। तो न्यूरॉन एनाटॉमी एंड न्यूरॉन फंक्शन। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि न्यूरॉन आर द बेसिक स्पेशलाइज्ड फंक्शनल सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ये जो ट्रू बेसिक ओरिजिनल जो सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, वो न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ उनके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते थे, न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते थे। अब इनका काम क्या होता है कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इन्फॉर्मेशन। ये मैंने कल बताया था कि एक एरिया से, नर्वस सिस्टम के एक एरिया से दूसरे एरिया के दरमियान में वो इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है जो अभी बताने लगा हूँ कि न्यूरॉन्स आर दी परमानेंट सेल्स। ये परमानेंट सेल्स होते हैं जो कि अडल्ट होल्ड में डिवाइड नहीं होते मजीद। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं कि वो कभी देखे, जैसे हमारे स्किन के सेल्स हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं, एक स्किन के सेल्स वहाँ से डाई हुए, गिर गए, उतर गए, फिर उसकी जगह पे दूसरे सेल्स आ जाते हैं, तो उनमें होती रहती है डिवीजन, माइटोसिस वगैरह। लेकिन न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं होते अडल्टहुड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। अब आपको पता है एक न्यूरॉन के चार पार्ट्स होते हैं, सॉरी वैसे चार पार्ट्स होते हैं बट हम इसके पाँच पार्ट्स में आपको बताता हूँ। देखें कैसे, एक आपको होती है ये बॉडी जिसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, और सेल बॉडी के ऊपर क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। फिर उसका ये उसका एग्जॉन होता है, फिर उसका एक टर्मिनल पोर्शन होता है एग्जॉन का। ये नॉर्मल उसकी स्ट्रक्चर होती है जो आपके न्यूरॉन के जो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, डेंड्राइट्स होते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है उसकी, ये क्या है उसकी सेल बॉडी है, ये उसकी सेल बॉडी है। फिर उसके बाद ये उसका क्या है, एग्जॉन है, ये उसका क्या है, एग्जॉन। और ये उसका क्या है, एग्जॉन टर्मिनल इसको बोलते हैं, एग्जॉन टर्मिनल। ये चार पार्ट होते हैं वैसे आपके न्यूरॉन के, लेकिन बाज दफा एक पांचवा पार्ट जो है ना, वो एडिशनल पार्ट भी इसको बोलते हैं। वो कौन सा होता है, वो ये वाला जहां पे आपकी सेल बॉडी और आपका एग्जॉन जहां पे जुड़ रहे हैं, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है आपका एग्जॉन, जहां पे सेल बॉडी एंड हो रही है, इस पार्ट को बाज दफा जो है ना बोलते होते हैं हिलोक एग्जॉन। क्या बोलते होते हैं, हिलोक एग्जॉन। ठीक है, हिलोक एग्जॉन बोलते होते हैं इसको, कि एग्जॉन का हिलोक है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं सबके, पहले एक आपको मैं रिव्यू बता देता हूं, फिर मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि डिटेल में इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलें देखें। पहला डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इधर अगर कोई और सेल था, इधर कोई और न्यूरॉन सेल था या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो वो क्या करता है, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। तो डेंड्राइट क्या करता है, यहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं डेंड्राइट्स, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उनको डेंड्राइट्स वसूल करते हैं, और उन इन्फॉर्मेशन को वसूल करने के बाद डेंड्राइट्स उन इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजते हैं, सेल बॉडी के अंदर भेजते हैं। फिर वो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी से मूव करती है आगे, और फिर आपके एग्जॉन्स के जरिए यहाँ से आगे मूव करती हुई कहाँ पहुँचती है, टर्मिनल, एग्जॉन टर्मिनल पर। फिर एग्जॉन टर्मिनल से फिर आगे आपका दूसरा, या तो एग्जॉन होता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर दूसरा एग्जॉन होगा, ठीक है, जिसकी ये सेल बॉडी होगी, फिर उसके डेंड्राइट्स लगे होंगे, या फिर इधर कोई मसल्स होंगे जिनके पास इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, या फिर यहाँ पर कोई ग्लैंड्स होंगे जिनके पास इन्फॉर्मेशन जा रही होगी। तो फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है या तो अगले न्यूरॉन में शिफ्ट हो जाएगी, फिर अगले न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में, या फिर इस न्यूरॉन से वो मसल्स को शिफ्ट हो जाएगी, या फिर इस न्यूरॉन से वो ग्लैंड को शिफ्ट हो जाएगी। तो समझ आ गई है, ये मैंने ऊपर से रिव्यू दे दिया है। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये देखें यहाँ पे तो देखें डेंड्राइट्स वसूल करें ना इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जो डेंड्राइट्स हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन को वसूल करते हैं, ठीक है, कैसे इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी में शिफ्ट करते हैं, फिर सेल बॉडी कौन कौन से फंक्शन किरदार अदा करती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन कैसे आपके एग्जॉन में जाती है, फिर एग्जॉन से ऐसे आगे कैसे मूव करती है, फिर एग्जॉन टर्मिनल पे क्या प्रोसेस होता है, फिर वहाँ से कैसे आगे चीज़ें मूव करती है। ठीक है, अब हम डिटेल में घुसेंगे। तो समझ आ गया कि इसके पांच पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एग्जॉन के, ठीक है, सॉरी नॉट एग्जॉन, न्यूरॉन के। तो अब सबसे पहला इसका पार्ट है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट तो आपको पता है कि ये क्या है, डेंड्राइट प्रोजेक्शंस है, किसकी, सेल बॉडी के ऊपर जो प्रोजेक्शन लगी होती है। अगर ये सेल बॉडी है तो इसके ऊपर ये जो प्रोजेक्शंस है ये क्या है,
डेंड्राइट्स हैं, और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को वसूल करना, है ना, सेंसरी इंफॉर्मेशन को वसूल करना। अब ये इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस डायग्राम पे आपने फोकस करना है, इस वाले डायग्राम पे देखिए, वो कहते हैं अगर ये आपकी सेल बॉडी है ये वाली, ठीक है, अब उसने सेल बॉडी का एक पार्ट ले लिया, ठीक है, तो सेल बॉडी के अंदर से ये देखिए उसके ये डेंड्राइट है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक है। अब अगर हम इन डेंड्राइट्स को, मैं इस डेंड्राइट को जूम इन करूँ, यहाँ से कट करूँ और इस डेंड्राइट को ऐसे जूम इन करके रखूँ, तो ये समझ लें आप डेंड्राइट का एक सेल है। अब देखें आगे देखें, ये जो अब इधर से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, क्या आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, कोई और नर्व आ रही है, कोई और नर्व आ रही है, या कहीं से सिग्नल आ रहे हैं उसको, जहाँ से भी न्यूरोट्रांसमीटर के सिग्नल आ रहे हैं, तो वो सिग्नल जब यहाँ पे पहुँचते हैं, तो पहले इसकी सेल की स्ट्रक्चर समझ लें, ये आपका डेंड्राइटिक सेल है। डेंड्राइटिक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं चैनल्स जिनको आप बोलते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, और दूसरा होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ये दो तरह की चीज़ें इसके ऊपर, चैनल्स और रिसेप्टर्स होते हैं। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, एक स्टिमुलेटर होता है और एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर अगर स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आता है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के ऊपर। तो पहले नॉर्मली आपके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्लोज होते हैं, क्या होते हैं ये, लेट मी चेंज द कलर, ये यहाँ पे होते हैं क्लोज, तो पहले तो ये क्लोज है भाई, जब ये क्लोज है तो पहले क्लोज है, जब ये आएगा इसका न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोट्रांसमीटर आके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन, ये क्या हो जाएगा, ओपन। ये जैसे ही ओपन होता है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर है पॉजिटिव स्टिमुलेशन वाला, तो ये जैसे ही ओपन होगा तो पॉजिटिव जो आयन्स हैं वो अंदर दाखिल हो जाएंगे, किस इस चैनल्स के जरिए आपकी डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर अंदर चले जाएंगे। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, क्या हो गई है, डीपोलराइजेशन हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, इसको बोलते हैं ईपीएसपी, इसको क्या बोलते हैं, ईपीएसपी, ईपीएसपी का मतलब होता है कि आपके जो है ना ये लिखा हुआ है एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक प्रोटीन, ईपीएसपी, खैर ये मैं आगे बता देता हूँ, बस अभी इतना याद रखें कि इससे इसको क्या कहते हैं, ईपीएसपी। इसमें देखिए आपकी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है ना, पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो आपका जो डेंड्राइटिक सेल होता है ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, किसकी तरफ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, कि अब ये एक्टिव होने लगा है। पहले क्या था, ये रेस्ट में पड़ा हुआ था, पहले किसमें था, रेस्ट में पड़ा हुआ था, फिर ऊपर से पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर आए, उन्होंने वो जाके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल के साथ जुड़े, पॉजिटिव आयन्स अंदर आए, डीपोलराइजेशन हुई, ईपीएसपी हुई। जब ईपीएसपी हुई तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ा ना, जैसे ही अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो आपका जो पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और आपका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो होता है -55 मिलीवोल्ट्स, उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये नंबर वन इसका फंक्शन। नंबर टू, ये तो था कि अगर आपका जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्टिमुलेटर था, पॉजिटिव था। अब अगर मैं कहूं कि नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, कौन सा, नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर, तो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर आएगा और इन इन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करेगा। ये पहले क्लोज थे, जैसे ही ओपन होंगे अब नेगेटिव आयन्स अंदर जाएंगे। अब कौन से आयन्स अंदर जाएंगे, जब नेगेटिव आयन्स अंदर जाएंगे तो नेगेटिव आयन्स के अंदर जाने से तो अंदर क्या हो जाएगा आपका, आईपीएसपी, इनहिबिटरी, अब इनहिबिटरी एक्शन होगा, तो अंदर इनहिबिटरी एक्शन होगा, तो इससे आपकी जो आप डीपोलराइजेशन नहीं होगी, रीपोलराइजेशन होगी, अब आपकी रीपोलराइजेशन होगी, कि अब जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर बढ़ जाएगा। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि अंदर नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, तो अंदर जो है ना नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जो आपका पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से दूर जा रहा है ना, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से अवे जा रहा है। जो आपका ईपीएसपी था वो टुवर्ड्स थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जाता है, और ये अवे फ्रॉम द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जाता है। तो समझ आ गए दोनों। अब एक चीज ये देख ले, और दूसरी चीज, यही न्यूरोट्रांसमीटर आपकी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर भी अटैच होंगे। जब वहां पे अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं, जी प्रोटीन को, उसके नीचे क्या पड़ी होती है, जी प्रोटीन को एक्टिव करते हैं। जी प्रोटीन सेकंड मैसेंजर को एक्टिव करती है, सेकंड मैसेंजर प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करती है। प्रोटीन काइनेज क्या करता है, इधर चैनल्स पड़े होते हैं उनको क्या कर देती है, उसकी फास्फोरिलेशन, उसकी क्या कर देती है, जब उसकी फास्फोरिलेशन होती है तो अगर ऊपर से जो न्यूरोट्रांसमीटर आया था वो पॉजिटिव था न्यूरोट्रांसमीटर, तो पॉजिटिव आयन अंदर जाएंगे और ईपीएसपी करेंगे। अगर न्यूरोट्रांसमीटर था नेगेटिव तो फिर नेगेटिव आयन अंदर जाएंगे और आईपीएसपी करेंगे, ठीक है। और जो इतना याद रखें कि ईपीएसपी क्या होता है, कि डीपोलराइजेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और आपका जो सेल होता है वो किसकी तरफ जाता है,
थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, किसकी तरफ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ। और अगर आईपीएसपी एक्टिव हो जाए, नेगेटिव आए, तो आपका रिप्रोडक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है अंदर और सेल अवे जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से, अवे जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से। अब इन दोनों को, ईपीएसपी को और आईपीएसपी को, दोनों को कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? ग्रेडेड पोटेंशियल। अब ये जो ग्रेडेड पोटेंशियल है, जो सम है ईपीएसपी दोनों को अगर देखें और दोनों का सम निकालें और -50 मिली वोल्ट्स हो, तो इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। एक न्यूरॉन को एक्टिव होने के लिए, एक्शन पोटेंशियल के लिए, उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए, तो वो कितना चाहिए होता है? -50 मिली वोल्ट। और इसके लिए आपका कौन सा ज्यादा होना चाहिए, ईपीएसपी ज्यादा होना चाहिए कि आईपीएसपी ज्यादा होना चाहिए? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के लिए कौन सा ज्यादा होना चाहिए? ईपीएसपी ऑफ कोर्स, क्योंकि इट कॉजेस द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो ये क्या होना चाहिए? ज्यादा। ये ज्यादा होगा तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा, अगर ये ज्यादा नहीं होगा तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नहीं आएगा। तो समझ आ गया कि जब अब दोनों के पोटेंशियल से जब आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या जाएगा, ईपीएसपी, अगर ईपीएसपी ज्यादा है तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट पे जाएगा और आपका एग्जाम न्यूरॉन का क्या हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपने उसको रिलैक्स करना है तो नेगेटिव ट्रांसमीटर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर नेगेटिव आएगा, जब वो आएगा तो आईपीएसपी बढ़ जाएगा, जब आईपीएसपी बढ़ेगा तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नहीं जाएगा बल्कि सेल रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाएगा, अब एक्शन पोटेंशियल की तरफ वो नहीं जाएगा। तो समझ आ गया इसका फंक्शन, कि आपका जो डेंड्राइट होता है उसका फंक्शन क्या होता है। जी जी, ठीक है, ठीक है, देखें अगर पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं तो पहले से जो रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव है। वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर जुबैर, कहते हैं कि देखिए पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं तो जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो तो अगर पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव में होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल की तो रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिली वोल्ट, -90 होता है, -90 मिली वोल्ट। तो अब उसको अगर हम उसमें पॉजिटिव आएंगे तो इतने पॉजिटिव नहीं है कि वो जीरो से प्लस में लेके जाए, आए हैं माइनस हुआ है लेकिन माइनस कम हो गया, माइनस क्या हो गया? कम हो गया, कुछ पॉजिटिव ने आकर उसको क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है। इसकी रीडिंग करा दूं मैं आप, ताकि हम आगे मूव करें। नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, मैं इसको रिपीट कर देता हूं सारे को, और अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, शहजाद दें आप लोग आगे समझ। तो बस ये माइंड में रखना है कि इसका एक्शन पोटेंशियल कब आता है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। ओके, अब एक सेकेंड, अब देखो अब कहाँ चला गया, ये चला गया। अब डेंड्राइट्स, वो कहता है ब्रांचिंग एक्सटेंशन होती है ऑफ द सेल बॉडी दैट एक्ट एज रिसेप्टर्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एट द सिनेप्स। देखें सिनेप्स किसे कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं कि ये आपका सेल बॉडी थी, ये डेंड्राइट्स थे, एक्सॉन था, ये उसका टर्मिनल था। अब यहां से या तो दूसरा मसल है या फिर कोई ग्लैंड है, ग्लैंड का मसल है, ग्लैंड का सेल है, मसल का सेल है, या फिर दूसरे न्यूरॉन का सेल है, दूसरे न्यूरॉन का सेल है। अब इधर डेंड्राइट्स है तो इन इसके और इसके दरमियान जो कनेक्शन है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इस गैप को क्या कहते हैं? वो सिनेप्स कहते हैं। इनकी जो कनेक्शन है दरमियान में गैप होगा, इनका जो कनेक्शन दरमियान में गैप है, इसको क्या बोलते हैं? वो सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं समझ आया? आगे समझ, चलो गुड हो गया। अब आगे मूव करते हैं हम, इसकी रीडिंग देखें। एंड ट्रांसमिट, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन को वसूल करता है न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल में, ठीक है, और फिर उनको क्या करता है? सिनेप्स के ऊपर रिसीव करता है, फिर उनको आगे ट्रांसमिट करता है बॉडी को। डेंड्राइटिक सेल मेम्ब्रेन्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स एंड रिसेप्टर्स लाइक लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स एंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अब लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स का काम क्या होता है? दीज चैनल्स आर क्विक इन रिस्पॉन्स। ये बात आपने याद रखनी है कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स क्विक होते हैं और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होते हैं? स्लो होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये सीधा आके इसको ओपन ही कर रहे हैं, सीधा ओपन ही कर रहे हैं, लेकिन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या आ रहे हैं? पहले जी प्रोटीन, सेकंड मैसेंजर, फिर प्रोटीन काइनेज, फिर जाके ये ओपन हो रहा है, तो इसलिए ज़रा स्लो है ये। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स और ये दीज रिसेप्टर्स आर स्लोअर इन रिस्पॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू दीज रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेट द जी प्रोटीन। जी प्रोटीन सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करेगी जो कि प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज का काम हमेशा फास्फोरिलेशन होता है, तो वो चैनल्स की फास्फोरिलेशन करेगा तो चैनल्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जैसे ही चैनल्स ओपन होते हैं तो अब ओपनिंग अप चैनल दो तरह से हो रही है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के जरिए भी ओपनिंग हो रही है और जी प्रोटीन के जरिए भी ओपनिंग हो रही है। जैसे ये ओपनिंग आती है तो ये ओपनिंग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस को अंदर लेके आती है, ये डिपेंड करता है कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर कौन है। ठीक है, अब पॉजिटिव आयंस जब अंदर आते हैं तब क्या होता है? एंट्री ऑफ पॉजिटिव आयंस कॉजेस एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये याद रखिए, ना रखिए, ईपीएसपी याद हो, दैट इज डीपोलराइजेशन। तो इससे क्या होती है? डीपोलराइजेशन, मोर पॉजिटिव इनसाइड, और जो वोल्टेज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं अबव द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है,
टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ मूव करता है आपका सेल। अगर नेगेटिव इयॉन्स अंदर आए तो एंट्री ऑफ नेगेटिव इयॉन्स कॉजेस इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल आईपीएसपी दैट इज हैपर रिप्रोलाइजेशन मोर नेगेटिव इनसाइड एंड वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो रेस्टिंग मेरिट पोटेंशियल अवे फ्रॉम द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो ये रेस्टिंग मेरिट पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, अवे फ्रॉम द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मूव करता है। हाँ जी, बोथ ईपीएसपी एंड आईपीएसपी इन दोनों को क्या कहते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल कहते होते हैं। इन ऑर्डर फॉर अ न्यूरॉन टू बी एक्टिवेटेड, अगर एक न्यूरॉन को एक्टिव होना है, एक एक्शन पोटेंशियल सेंड करना है, तो उसके लिए द सम ऑफ ईपीएसपी एंड आईपीएसपी वोल्टेज मस्ट रीच अ थ्रेशोल्ड ऑफ -50 mV। ये आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। टू रीच द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ -50 mV द ईपीएसपी मस्ट बी ग्रेटर देन द आईपीएसपी, ईपीएसपी उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये था फंक्शन किसका, आपके डेंड्राइट का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल बॉडी। अब इस डायग्राम पे आपने फोकस करना है। आप कहते हैं कि सर जी हमने यहां से पढ़ा कि यहां डेंड्राइट से क्या आया, एक्शन पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया, एक्शन पोटेंशियल आ गया, ईपीएसपी ज्यादा था, एक्शन पोटेंशियल, ये वाला जो न्यूरॉन था एक्टिव हो गया। अब या तो जो आपकी सेल बॉडी है वो यहां से इंफॉर्मेशन, यहां से कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया, इंफॉर्मेशन आई, उसने इसको एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद ये आगे पैगाम किसको देगा, सेल बॉडी को। अब या तो ये सेल बॉडी यहां से रिसेप्टर वसूल करती है इंफॉर्मेशन, या फिर इसकी अपने ही बॉडी के ऊपर क्या लगे होते हैं, इसी तरह के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर लगे होते हैं, या फिर लाइगैंड गेटेड इयॉन चैनल्स लगे होते हैं इसकी अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, एक तो ये यहां से वसूल कर लेगा एक्शन पोटेंशियल, या फिर ये दूसरा खुद अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं और गेटेड चैनल लगे हुए हैं, और सेम इसी प्रोसेस के जरिए बिल्कुल सेम होता है जो हमने अभी डेंड्राइट में पढ़ा, इसका भी क्या होता है प्रोसेस सेम होता है। तो इस तरह आपका क्या सेल बॉडी क्या हो जाएगी, एक्टिव। एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंच गया, सेल बॉडी में। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल सेल बॉडी में पहुंचेगा, अब आपकी सेल बॉडी क्या करती है, चले इधर इस डायग्राम पर फोकस करें। अब सेल बॉडी का फंक्शन देखते हैं जी, हैं? अब सेल बॉडी क्या करती है, सेल बॉडी कहती है कि कोई पॉजिटिव पोटेंशियल आया तो मेरे डीएनए के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, डीएनए के पास। आपको पता है कि जब ये एक्टिव होती है तो इसने क्या काम करना होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने होते हैं ना, है ना, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर को आगे भेजे। एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर वसूल किया, उन इंफॉर्मेशन को जो न्यूरोट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन लेके आया था उसको एक्शन पोटेंशियल में चेंज किया, फिर वही एक्शन पोटेंशियल दोबारा दूसरे किनारे पे जाएगा और वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराएगा ताकि अगले न्यूरॉन को फिर वही इंफॉर्मेशन मिल सके, अगला न्यूरॉन अगले को दे, अगला अगले को दे, और इस तरह मसल्स और ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन लेके जाए। तो अब इसने न्यूरोट्रांसमीटर बनाना है तो ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोटीन्स होती है बेसिकली, क्या होती है, प्रोटीन्स। अब इसने डीएनए को सिग्नल देना है, डीएनए से क्या बन जाएगा आपका मैसेंजर आरएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, है ना, द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए वहां से न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और कहां पे आएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से आपके मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएगा, राइबोसोमल आरएनए के पास, किसके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, ये इस मैसेंजर आरएनए को पकड़ेगा और इससे क्या बना देगा, प्रोटीन्स बना देगा, क्या बना देगा, प्रोटीन्स, द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन, द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। इसको इस सेल बॉडी के अंदर एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स, क्या बोलते हैं इसको, निसल बॉडी या निसल ग्रेन्यूल्स बोलते होते हैं इसको। ठीक है, खैर ये मैं बाद में बताता हूँ, बस आप इतना देख लें कि इसको ये कहते हैं। खैर प्रोटीन बन गई, अब प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलती है और बाहर आगे आपको क्या होता है, गॉल्जी अपैरेटस होता है। गॉल्जी अपैरेटस इनको पैक करता है, किस में पैक करता है, वेसिकल्स बना देता है, इन प्रोटीन को वेसिकल्स के अंदर पैक कर देता है। तो अब ये दरमियान में प्रोटीन्स और बाहर आपकी क्या बन जाएगी, वेसिकल बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये कौन कौन सी हो सकती हैं, ये प्रोटीन एंजाइम्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जो कि इसमें काम आएंगे आपकी न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें न्यूरॉन की फंक्शन में, मैं आगे बताता हूँ। या फिर आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी, कौन सी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कौन सी थी, वही आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स या फिर लाइगैंड गेटेड इयॉन चैनल्स हो सकते हैं, या फिर तीसरा ये न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक फंक्शन आपका, अब आपकी सेल बॉडी ने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें बना दी, तो ये आपकी वेसिकल बन गई। इसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं और मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, जो कि आगे हमें नीड पड़ने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गई है। अब मैंने क्या बताया आपको, निसल ग्रेन्यूल्स बताया, क्या बताया मैंने, निसल पार्टीज, निसल ग्रेन्यूल्स। अब एक निसल स्टेनिंग होती है, एक टेस्ट होता है, कौन सा होता है, निसल स्टेनिंग। इससे आप न्यूरॉन को करते हैं स्टेन, एक डाई देते हैं न्यूरॉन को, क्या देते हैं,
स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, एक स्पेसिफिक डाई होता है, वो स्पेसिफिक डाई जाके आपके जो निजल ग्रेन्यूल्स हैं, निजल पार्टीज हैं, उनके साथ अटैच हो जाता है और उन स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, विजुलाइज कर देता है। क्या कर देता है, विजुलाइज। तो कौन सी स्ट्रक्चर विजुलाइज होंगी आपको बताया मुझे, सेल बॉडी। सेल बॉडी विजुलाइज होगी, क्यों, क्योंकि सेल बॉडीज के अंदर क्या होते हैं आपके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी निजल बॉडीज हैं। जब आप कलर भेजेंगे, कलर जाके इसके ऊपर बैठ जाएगा, जब इसके ऊपर बैठेगा इसको क्या कर देगा, विजुलाइज कर देगा, तो आपकी सेल बॉडी नजर आ रही होगी और सेल बॉडी के साथ साथ आपको डेंड्राइट्स भी नजर आ रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि सेल बॉडी डेंड्राइट्स क्या है के साथ साथ है, तो इसको हम बोलते हैं निजल स्टेनिंग। समझ आ गई है कि नहीं समझ आई, समझ आ गई है, रीडिंग कर दूं मैं इसकी, गुड, या रिपीट तो नहीं करना इसको, जूम पे भी बता दिया करेंगे सर समझ आ गया है, रिपीट करें या कुछ भी करें, कुछ तो करें। चले, सेल बॉडी क्या होता है, सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गॉल्जी एपरेटस होता है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं और साइटोस्केलेटन भी होते हैं और लाइसोसोम भी इसके अंदर होते हैं। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है इसमें मैं आगे बताता हूं, ठीक है। सेल बॉडी रिसीव्स द ग्रेडेड पोटेंशियल थ्रू रिसेप्टर्स ऑन इट्स मेम्ब्रेन और थ्रू द डेंड्राइट्स, इफ ग्रेडेड पोटेंशियल आर इनफ फॉर द थ्रेशर पोटेंशियल, ईपीएसपी अगर ज्यादा है आईपीएसपी से, देन इट ट्रिगर्स द सेल बॉडी टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन, सेल बॉडी सिंथेसाइज द प्रोटीन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए ट्रेवल्स टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज द निजल बॉडीज इन न्यूरॉन्स इन द साइटोप्लाज्म, उसमें चला जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसलेट्स द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन्स आर न्यूरोट्रांसमीटर, दीज प्रोटीन्स ट्रेवल टू द गॉल्जी एपरेटस, गॉल्जी एपरेटस पैक्स, ये गलती है, पैक्स करता है देम इनटू वेसिकल्स। अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज इन द सेल बॉडी, कौन, उस वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं या मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये वाली हो सकती है, ठीक है। अब ये सेल बॉडी का फंक्शन, उसके बाद देखें, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स कैन बी सीन ऑन निजल स्टेनिंग, के स्पेसिफिक डाई होता है जो स्टेन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, दैट कंटेन्स राइबोसोम्स, यानी निजल बॉडीज को क्या करेगा, स्टेन करेगा, एंड विजुलाइज द सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निजल बॉडीज इन द सेल बॉडीज। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके एक्सॉन में नहीं होता, तो इसलिए एक्सॉन भी विजुलाइज नहीं होगा, डाई उसको कलर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट क्या होते हैं। अब थर्ड पार्ट कौन सा है, एक्सॉन। अब हम एक्सॉन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सॉन का फंक्शन क्या होते हैं। द एक्सॉन इज लॉन्ग सिलेंडर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द न्यूरॉन, है ना, दैट टिपिकली अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी। अब ये मैंने बार बार पढ़ा हुआ है कि एक्सॉन की मैलिनेशन होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी इसकी मैलिनेशन होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसकी मैलिनेशन कौन करता है भाई, श्वान सेल्स, और अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसकी मैलिनेशन कौन करता है भाई, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, तीसरी लेक्चर में ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो वो यही लिखा हुआ है, ये भाई बात लिखी हुई है, दिस मैलिनेशन, अच्छा इस मैलिनेशन का मकसद क्या होता है कि ये अगर आपका एग्जॉन है तो इसके ऊपर इस तरह मैलिनेशन होती है, इस मैलिनेशन का मकसद क्या होता है, एक तो एग्जॉन को प्रोटेक्ट करना कि उसको कोई इंफेक्शन ना हो, दूसरा ताकि इसके अंदर से जो इंपल्स गुजर रही है वो फास्ट इंपल्स गुजरे, क्या गुजरे, वो बड़ी फास्ट से इंपल्स गुजरे, ठीक है। एक्सॉन हैज ट्रांसपोर्ट फंक्शन, एक्सॉन के बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, एक वो चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरा वो क्या करता है, इंपल्स को, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है। अब जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है वो दो तरह का होता है कि वो यहाँ पे सेल बॉडी थी ना, सेल बॉडी में ये वेसिकल्स बने थे, न्यूरोट्रांसमीटर बने थे, वो उन वेसिकल्स को, उन न्यूरोट्रांसमीटर को उठा के यहां से उठाएगा और इस तरफ क्या होता है उसका एग्जॉन टर्मिनल होता है ना, या तो चीजों को एग्जॉन टर्मिनल की तरफ लेके जाएगा या फिर कुछ एग्जॉन टर्मिनल में चीजें पड़ी होंगी उसको यहां से उठा के आपके सेल बॉडी की तरफ लेके आएगा। तो इस तरह इसका एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। और दूसरा इसका मैकेनिज्म क्या है कि यहां से क्या आया था, ग्रेडेड पोटेंशियल आया था ना, एक्शन पोटेंशियल, अब वो एक्शन पोटेंशियल यहां शिफ्ट होगा और यहां से वो एक्शन पोटेंशियल आगे मूव करेगा सेल के दूसरे हिस्से की तरफ, ठीक है। लेकिन दो चीजें मूव कर रही है, एक आपका यहां से न्यूरोट्रांसमीटर मूव कर रहा है और दूसरा एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा है, यहां पे जाके दोनों का काम नेसेसरी होता है, दोनों का वहां पे पहुंचना लाजमी होता है, वो फिर मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। अभी आप सिर्फ देख लें कि इसका ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म दो तरह का होता है। पहली चीज कि इधर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ था सेल बॉडी में, क्या पड़ा हुआ था, या फिर इधर वेसिकल्स पड़ी हुई थी, क्या पड़ी हुई थी, उन वेसिकल्स के अंदर क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर थे, एंजाइम्स थे या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थी, उनको इसने आगे शिफ्ट करना, मोस्टली क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इधर आपकी ये एग्जॉन के अंदर पड़ी होती है मैक्रोट्यूब्यूल, ये आपकी क्या है, मैक्रोट्यूब्यूल, और सबको पता है मैक्रोट्यूब्यूल का काम किस में होता है, मूवमेंट में होता है, चीजों को मूव करने में होता है,
ठीक है। तो अब इसके इस मैक्रोट्यूब्यूल के पास एक प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है कैनेसिन प्रोटीन, ये वाली जो ये बंदा मैंने बनाया हुआ है, ये वाला आप इसको समझिए, ये क्या है, कैनेसिन प्रोटीन है। कैनेसिन प्रोटीन क्या करती है, लेट मी चेंज द कलर, कैनेसिन प्रोटीन, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। कैनेसिन प्रोटीन क्या करती है, कैनेसिन प्रोटीन यहां से ये सारी चीजें उठाती है सेल बॉडी से, और मैक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से इन सारी चीजों को यहां से उठा के आपकी सेल बॉडी से किसकी तरफ भेज देती है, एग्जॉन टर्मिनल की तरफ। किसकी तरफ भेज देती है, एग्जॉन टर्मिनल की तरफ। इसको बोलते हैं इंटरोग्रेड मूवमेंट, इंटरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, इंटरोग्रेड ट्रांसपोर्ट है ये इंटरोग्रेड ट्रांसपोर्ट है जी। कि क्या किया, कैनेसिन प्रोटीन ने मैक्रोट्यूब्यूल की मदद से आपके माइटोकांड्रिया और वेसिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर को उठाया और सेल बॉडी से किसकी तरफ भेज दिया, एग्जॉन टर्मिनल की तरफ, दिस इज कॉल्ड इंटरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। दूसरी चीज सुने, दूसरी आपकी होती है रिट्रोग्रेड, कौन सी होती है, रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें एक और प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, वो कैनेसिन प्रोटीन थी, ये होती है ये वाली आपकी डाइनिन प्रोटीन, कौन सी, डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन क्या करती है, वो यहां से जो वेसिकल यूज हो चुकी है, यहां से वेसिकल आ रही थी ना जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर था, न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे यूज होंगे, जब वो यूज हो जाएंगे तो यूज्ड आपके वेसिकल्स होंगे और आपके यूज्ड माइटोकांड्रिया होंगे, या फिर आपके कुछ वायरसेस भी यहां से आ सकते हैं, कुछ पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, एचसीवी, जीसीवी, अब ये सारे वायरस भी आ सकते हैं। अब ये इन वायरसेस को, इन वेसिकल्स को जो यूज हो चुकी हैं, जो माइटोकांड्रिया यूज हो चुके हैं, इनको यहां से उठाएगा और यहां से उठा के मैक्रोट्यूब्यूल्स को यूज करता हुआ अब आपके एग्जॉन टर्मिनल से किसकी तरफ भेजेगा, सेल बॉडी की तरफ भेजेगा। दिस इज कॉल्ड रिट्रोग्रेड एग्जॉनल ट्रांसपोर्ट। ये दो तरह की ट्रांसपोर्ट हो गई, समझ, हाँ जी। वापस क्यों जाते हैं, मैं आगे बताता हूँ वापस क्यों जाते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आगे वापस क्यों जाते हैं, डिटेल में बता दूंगा। अभी बस इतना देख लें कि इंटरोग्रेड मूवमेंट क्या होती है और रिट्रोग्रेड मूवमेंट क्या होती है। ये बेसिकली इनको वापस भेजते हैं रीसाइक्लिंग के लिए, लाइसोसोम एंजाइम पड़े होते हैं ना आपकी सेल बॉडी में, उनको वहां पे डिग्रेड भी करते हैं या पर वो वहां पे इसको रीसाइकल करके दोबारा तैयार करते हैं और दोबारा वापस भेजना होता है। मैं आगे बताता हूं, ठीक है, डिटेल में आगे बताता हूं। इतना समझ आ गया कि इंटरोग्रेड और रिट्रोग्रेड मूवमेंट क्या होती है। अब इसकी मैं रीडिंग करा के फिर मैं आपको इसका दूसरा मैकेनिज्म पढ़ाता हूं, जो चले इधर ही दूसरा मैकेनिज्म देख ले, इधर ही देख ले। अब एक चीज, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर पहुंच गए, न्यूरोट्रांसमीटर पहुंच चुके हैं एग्जॉन टर्मिनल के ऊपर, अब हमने वहां पे एक्शन पोटेंशियल भी भेजना है, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल कैसे भेजना है, अब मैंने बताया था इधर सेल बॉडी, और सेल बॉडी का ये वाला जो पार्ट है जहां पे सेल बॉडी खत्म हो रही है और एग्जॉन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हेलिक, दिस इज कॉल्ड डबल एल ओ सी के, हेलिक, हेलिक एग्जॉन इसको बोलते हैं। अब इस हेलिक एग्जॉन के ऊपर ये देखिए आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स पड़े होते हैं, यहां पर भी पड़े होते हैं और एग्जॉन के मेम्ब्रेन पे भी यहां सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स पड़े होते हैं और पोटेशियम चैनल्स भी पड़े हुए होते हैं। पीछे से जो आपके पीछे से जो वोल्टेज आए थे वो अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच चुके हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होता है, -50 मिलीवोल्ट, तो उसने सेल बॉडी को एक्टिव किया। अब सेल बॉडी किसको एक्टिव करेगी, एग्जॉन को एक्टिव करेगी। कैसे एक्टिव करेगी, कि यहां से जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -50 मिलीवोल्ट जाएगा तो आपके जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ये जैसे ही ओपन होते हैं तो सोडियम आयन जल्दी अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही सोडियम अंदर आता है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, और जब भी किसी सेल्स की डीपोलराइजेशन होती है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव, तो इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, एक्टिव, और ये एक्शन पोटेंशियल यहां से मूव करता है टुवर्ड द एग्जॉन टर्मिनल की तरफ। अब आपका एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड द एग्जॉन टर्मिनल पहुंच गया, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर भी, दोनों चीजें पहुंच चुकी है, और न्यूरोट्रांसमीटर किसके अंदर है, आपकी वेसिकल के अंदर है, किसके अंदर है, वेसिकल्स के अंदर है। अभी इसको यहां पर छोड़ दें, जब पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं आगे बताता हूँ फिर, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा तो अंदर जो चार्ज होता है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, +30 तक चला जाता है। जब वो +30 तक जाता है तो जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं उनका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो +30 होता है, तो अब ये ओपन हो जाएंगे। ये जैसे ही ओपन होते हैं तो आपको पता है पोटेशियम चैनल जब भी ओपन होते हैं पोटेशियम बाहर जाता है, तो पोटेशियम बाहर जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या पड़ जाएगा, सारा नेगेटिव, तो ये रीपोलराइजेशन हो गई। अब आपका रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाएगा, दोबारा से आपका एग्जॉन क्या करने लग जाएगा, रेस्ट करने लग जाएगा। जब वो दोबारा से रेस्ट करेगा फिर ऊपर डेंड्राइट्स को, सेल बॉडी को दोबारा से क्या आएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे। जब वो दोबारा से न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे, दोबारा से ईपीएसपी ज्यादा होगा, ईपीएसपी ज्यादा होगा, दोबारा ग्रेड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, दोबारा सोडियम चैनल ओपन, दोबारा फिर ये, तो इस तरह एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल अल्टरनेट करते हैं। हाँ जी, ऐसे नहीं होता कि सारे पॉजिटिव आयंस बाहर चले जाएं। जब यहां से पॉजिटिव आयंस
वो तो सोडियम वाले आयंस है ना, ये पोटेशियम वाले आयंस है। देखिए एक मेंटेनेंस होती है अंदर, नेगेटिव और पॉजिटिव का एक मेंटेन रखा हुआ होता है चार्जेस का। जब अंदर मजीद सोडियम आ रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ जाएगा, प्लस 30 तक चला जाएगा। जब सोडियम बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, तो जब पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे पीछे नेगेटिव बच जाएंगे, नेगेटिव ज्यादा रह जाएंगे और पॉजिटिव कम रह जाएंगे, तो वो नेगेटिविटी रेस्टिंग, इस तरह रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल अल्टरनेट करता रहता है, ठीक है। और न्यूरॉन्स में जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो बड़ा कम होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो यहां तक समझ आ गई है। अब हमने क्या किया, हमने न्यूरोट्रांसमीटर जो कि वेसिकल्स के अंदर है यहां तक पहुंचा दिया, और एक्शन पोटेंशियल हमने यहां तक पहुंचा दिया। अब इसकी रीडिंग देख ले, फिर आगे एग्जाम टर्मिनल के ऊपर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलें जी इसकी रीडिंग देखते हैं। ये एग्जाम यहां तक हो गया था ना, यहां ट्रांसपोर्ट फंक्शन देखें पहले इसका। एक्सॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल एंड मोटर प्रोटीन्स काइनेसिन एंड डाइनिन। इंटरग्रेट एक्सॉन ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ काइनेसिन प्रोटीन मोटर प्रोटीन एंड मैक्रोट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरग्रेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट मे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, अच्छा अब हो सकता है कि जो इधर किसी वायरस ने अटैक किया हुआ था, है वायरस ने अटैक किया हुआ था और वायरस ने डीएनए की जो मशीनरी थी उसको कंट्रोल में लिया हुआ था अपने कंट्रोल में, तो वायरस अपनी प्रोटीन भी तो बना सकता है इस मैकेनिज्म के जरिए, है। तो आपका जो फिर आपकी जो कैरेसिन प्रोटीन है मैक्रोट्यूब्यूल एक्सॉन है वो फिर इन वायरल प्रोटीन को भी शिफ्ट कर देगा आगे, ठीक है। और मोस्टली इसमें जो वायरस देखा जाता है वो जूस्टर वायरस होता है, कौन सा, सम वायरस प्रोटीन फाउंड होस्ट विच इज कंट्रोल्ड बाय द वायरस, तो ये हर्ट जूस्टर वायरस होता है जो कि आपको एक डिजीज काज करता है शिंगल्स, आपको इचिंग वगैरह होती है स्किन के ऊपर, बस इतना देखना डिटेल में अभी नहीं जाते, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपकी रिट्रोग्रेड एक्सॉन टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दैट हैज टू बी डिग्रेडेड एंड रिसाइकल्ड बाय लाइसोसोम इन द सेल बॉडी। सेल बॉडी में लाइसोसोम पड़े होते हैं, इनको वहां से हमने डिग्रेड करना और लाइसोसोम ने इनको डिग्रेड करना होता है और इनको क्या करना होता है, रिसाइकल, क्योंकि ये यूज्ड वेसिकल्स हैं और यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। तो फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टुवर्ड्स द सेल बॉडी विद द हेल्प ऑफ डाइनिन मोटर प्रोटीन, डाइनिन मोटर प्रोटीन एंड मैक्रोट्यूबुल्स तो है ही है, दिस इज कॉल्ड रिट्रोग्रेड एक्सॉन टर्मिनल। इट ऑल्सो, अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि बाज दफा यहां पे डैमेज होता है, एक सेकेंड, बाज दफा डैमेज हुआ आपका एक्सॉन टर्मिनल या किसी भी जगह पे कोई चीज डैमेज हुई, इधर कोई चीज डैमेज हुई, किसी ने डैमेज किया आपके एक्सॉन को या न्यूरॉन को, जब यहां पे डैमेज होगा तो यहां से आप क्या आते हैं, न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर्स, जिस जगह पे डैमेज होता है उसी जगह से न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, फिर वो न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर्स भी इसी रिट्रोग्रेड के जरिए सेल बॉडी की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, और सेल बॉडी में क्या पड़ा होता है, आपका डीएनए पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है, डीएनए को एक्टिवेट करता है कि यार मुझे वहां पे डैमेज हो गया है, अब हीलिंग प्रोटीन्स बनाए, फिर ये हीलिंग प्रोटीन्स बनाते हैं और हीलिंग प्रोटीन्स फिर इंटरोग्रेड के जरिए उस जगह पे जाती है यहां पे डैमेज हुआ था और उसको क्या कर देती है, रिकवर कर देती है, उसकी ग्रोथ कर देती है, समझ आ गया। तो ये वही बताने लगा, देखें इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द नर्व ग्रोथ फैक्टर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एट अ डैमेज्ड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट्स द डीएनए टू सिंथेसाइज द प्रोटीन नेसेसरी फॉर रिपेयर और ग्रोथ ऑफ द डैमेज्ड पार्ट्स। इट मे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द पैथोजेंस लाइक, ये भी मैंने बता दिया, फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टुवर्ड्स द सेल बॉडी, अब जब ये पैथोजेंस जाएंगे तो ये उसकी मशीनरी को कंट्रोल कर लेंगे, डीएनए की मशीनरी को, फिर वहां से प्रोटीन्स बनाएंगे, प्रोटीन्स फिर वो इंटरग्रेट के जरिए फिर आगे जाएंगे, इस तरह पूरे आपके न्यूरॉन में क्या हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल कैसे कंडक्ट करता है, एक्शन पोटेंशियल कैसे कंडक्ट करता है उसको देखें, एक्सॉन कंडक्ट्स द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स from one area to the another area of the nervous system by following mechanism, देखें EPSP graded potential from cell body and dendrites, EPSP अगर ज्यादा है IPSP से, it causes the membrane potential to reach the threshold potential of -50 millivolts, जब -50 millivolt होता है तो ये threshold potential है, इस पे वोल्टेज gated सोडियम channels ओपन हो जाते हैं जो कि लोकेट करते हैं आपकी एग्जाम की membrane के ऊपर, अब जब ये ओपन होता है तो ये सोडियम आइंस को अलाउ करते हैं वो सेल के अंदर आए और उसको डीपोलराइज करते हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, This depolarization wave is transmitted down to the axon towards the axon terminal. तो ये आपका axon terminal तरफ move करता है ये. When the voltage inside the, अब जब 30 plus 30 तक जाते हैं, sodium का influx हो रहा था ना उसकी वजह से plus 30 हो गया. Then voltage gated potassium channel open होते हैं. ये भी axon की membrane के ऊपर locate होते हैं. It allows the potassium to leave the cell and repolarize it, make cell more negative. ये repolarization wave भी फिर आगे की तरफ move करती है और resting membrane potential आता है इस तरह. समझ आ गया? अब आगे आपका क्या आता है axon? टर्मिनल आता है, यहां तक समझ आ गया डॉक्टर्स, नहीं समझ आया आगे समझ, आगे आपका होता है एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन था, ये सेल बॉडी थी,
ये डेंड्राइट से, बाकी सबका हो गया। अभी हम आखिर तक पहुंच चुके हैं किसके ऊपर, एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर। अब क्या होता है, अब देखिए इधर लगे होते हैं कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स। जब इधर पीछे से क्या पोटेंशियल आया था ना, वेसिकल तो यहां तक पहुंच चुकी है, आपको पता है वेसिकल पहुंच चुकी है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। पीछे से सोडियम की वजह से एक पोटेंशियल आ रहा था, एक्शन पोटेंशियल। जब वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इधर आता है, इधर, तो इधर जो आपके कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब याद, आप समझ आए कि एक्शन पोटेंशियल आगे क्यों मूव कर रहा था, वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन कराएगा। जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं कैल्शियम अंदर आता है, जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है तो कैल्शियम का एक काम होता है कि इधर आपकी देखिए ये मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, एक्सॉन टर्मिनल की एक मेम्ब्रेन है, और ये साथ में क्या पड़ी हुई है आपकी वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। अब कैल्शियम क्या करता है कि अब जो आपकी वेसिकल्स हैं उसके ऊपर एक प्रोटीन होती है, जिसको हम बोलते हैं वी स्नेयर्स प्रोटीन। क्या होती है? वी स्नेयर्स प्रोटीन। जो आपकी एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड वी टी स्नेयर्स प्रोटीन। क्या होती है वो? देखें, वेसिकल से वी स्नेयर्स प्रोटीन, याद रखने का तरीका, वेसिकल से वी स्नेयर्स प्रोटीन होती है और मेम्ब्रेन के ऊपर टी स्नेयर्स प्रोटीन होती है, ठीक है। अब ये देखें, मैं जरा जूम कर लूं ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। ये देखें, ये नजर आ रही रेड वाली, ये आपकी क्या है? टी स्नेयर्स प्रोटीन है, और ये क्या आपकी? वी स्नेयर्स प्रोटीन है। आई थिंक डॉक्टर जुबैर को पहले ही समझ आ गया कि मैं क्या कहने वाला हूं। फिर ऊपर से जो, वेरी गुड डॉक्टर जुबैर, ऊपर से जो कैल्शियम आया था वो आके इन दोनों के दरमियान में एज ए ब्रिज काम करता है, एज ए ब्रिज काम करता है और इन दोनों को मिला देता है। ये दोनों जैसे ही मिलते हैं तो आपकी जो वेसिकल्स है वो फौरन से किसके साथ फ्यूज कर जाती है? आपकी मेम्ब्रेन के साथ। जैसे ही मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती है तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर पड़े थे वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज हो गए। देखिए, एक्शन पोटेंशियल नीडेड था तो वो आगे मूव कर रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर भी नीडेड थे वो भी बन के आगे मूव कर रहे थे। अब दोनों चीजें जब यहां पर आई तो न्यूरोट्रांसमीटर किस में रिलीज हो जाएगा? आपके सिनेप्टिक स्नैप्स में। ये स्नैप्स होती है ना, या तो ये अगला न्यूरॉन है, या अगला कोई मसल सेल है, या अगला ग्लैंड का सेल है, या तो ये इनको एक्शन देने जा रहा है कि आप कोई एक्शन करें, काम करें, या फिर अगला न्यूरॉन है जो फिर आगे लेके जाएगा इस तरह। तो फिर अब इधर फिर क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे। क्या होंगे? डेंड्राइट्स फिर वसूल करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को, फिर ग्रेटर प्रिवेंशन, अगला एक्टिव होगा, फिर अगला एक्टिव होगा, फिर अगला एक्टिव होगा। तो इस तरह प्रोसेस आगे चलता रहता है। अब ये तो था कि उसकी सेक्रेशन के न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो रहा था। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर ने अपना काम कर लिया, न्यूरोट्रांसमीटर ने अपना काम कर लिया कि आगे आपका न्यूरॉनल सेल था, ग्लैंडुलर सेल था, मस्कुलर सेल था, उसको एक्टिव कर दिया। अब अगर ये जो आपका ये पड़ा हुआ इधर न्यूरोट्रांसमीटर, अगर ये इधर पड़े रहे तो ये तो फर्दर एक्टिव करते रहेंगे ना, इसको बार बार स्टिमुलेट करते रहेंगे। तो हम बार बार स्टिमुलेशन नहीं चाहते। हमने कहा एक बार स्टिमुलेट हो गया, आपने काम दिखाया, अब आपको हमने वेस्ट करना है। फिर वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की टर्मिनेशन होती है, या तो वो इसको रीअपटेक कर लेता है वापस, या फिर उसको डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड के भी दो तरीके होते हैं। पहले आप डिग्रेडेशन देख लें, डिग्रेडेशन का पहला तरीका देख लें। इधर ही इंजाइम्स पड़े होते हैं, जो इंजाइम्स यहाँ से मूव कर रहे थे, याद आ रहा है? जो इंजाइम्स मूव कर रहे थे इंटरग्रेड के जो बने थे, वो इंजाइम्स को क्या करते हैं? इधर ही क्या कर देते हैं? इनको डिग्रेड कर देते हैं। या फिर दूसरा इसका रीअपटेक होता है कि ये जो स्नैप्स में आपको न्यूरोट्रांसमीटर है, अब इधर ही एक्सॉन की जो टर्मिनल है उसके ऊपर एक प्रोटीन पड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड रीअपटेक प्रोटीन। क्या पड़ी होती है? रीअपटेक प्रोटीन। वो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रीअपटेक कर लेती है, वापस उठा लेती है, और वापस उठा के इसको वेसिकल्स के अंदर पैक कर देती है। अब ये वेसिकल्स यूज्ड हैं, इधर जो एनर्जी चाहिए थी माइटोकांड्रिया वो यूज्ड है, माइटोकांड्रिया भी आ गए वो यूज्ड है, आपके वेसिकल्स भी आ गए वो क्या है? यूज्ड है। या फिर यहाँ पे वायरसेस थे वो भी क्या है? यहाँ पे पड़े हुए हैं। या फिर नर्व डैमेज हुआ तो यहाँ से आपके क्या आ गए? न्यूरल ग्रोथ फैक्टर्स, वो सारे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से जो आपका रिट्रोग्रेड था वो इनको लेके जाएगा डायरेक्ट प्रोटीन सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी में आपके लाइसोसोम पड़े हुए थे, लाइसोसोम इनको पकड़ेंगे, वेसिकल्स को डिग्रेड कर देंगे और रिसाइकल करके दोबारा इंटरग्रेड कर, दोबारा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, ठीक है। और जो माइटोकांड्रिया आए थे उनको भी रिसाइकल करेंगे, वो भी सेल बॉडी में रिसाइकल होकर दोबारा वापस चले जाएंगे। और जो न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर आए थे सेल बॉडी में, डीएनए के पास जाएंगे और हीलिंग प्रोटीन बनवाएंगे, वो जाके हीलिंग करेंगे। और अगर पोलियो वायरस था, कोई भी वायरस वगैरह थे, तो वायरस जाके उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, डीएनए के ऊपर कंट्रोल करने के बाद फिर वो फिर आगे क्या करेंगे? अपनी प्रोटीन भेजेंगे, वो भी इंटरग्रेट के जरिए आगे जाएंगे और डिजीज काज करेंगे। तो आई होप कि आपको सारा समझ आ गया कि नहीं समझ आया? आगे समझ। अच्छा, यहाँ पे हम एक प्रोटीन यूज करते हैं, एक ड्रग यूज करते हैं, दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक प्रोटीन इनहिबिटर्स होते हैं जो ये ड्रग्स हैं, ये जाके इनको इनहिबिट कर देती हैं, रीअपटेक प्रोटीन्स को। जब रीअपटेक प्रोटीन्स इनहिबिट हो गई तो क्या अब न्यूरोट्रांसमीटर वापस जाएगा? तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रहेंगे
और इसको क्या करते रहेंगे, स्टिमुलेट करते रहेंगे। जब वो इसको स्टिमुलेट करते रहते तो इस तरह आपका डिप्रेशन कम होता है। क्या होता है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम ये ड्रग देते होते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर प्रोटीन्स। ये जो रीअपटेक प्रोटीन होते हैं उनके इनहिबिटर्स होते हैं, इनको जाके इनहिबिट कर देते हैं। तो ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर वापस नहीं जाता, जब न्यूरोट्रांसमीटर वापस नहीं जाता तो वो यहाँ पे रहता है और इसको वो क्या करता रहता है, स्टिमुलेट करता रहता है। ठीक है, ये आप बस यूँ देख लें कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो आपके डिप्रेशन को कम करते हैं। ठीक है, तो आपके जो सेरोटोनिन जैसे हो गया, सेरोटोनिन डिप्रेशन को कम करता है ना, तो आपकी जो सेरोटोनिन है वो रिलैक्सेशन में काम आता है। तो यही है कि जो इधर से सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर वापस नहीं जाएगा, जब ये ट्रांसमीटर वापस नहीं जाएगा तो ये यहाँ पर रहेगा, ये स्टिमुलेट करता रहेगा, करता रहेगा और आपकी आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी को क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं समझ आया? अब मैं इसकी रीडिंग कर दूं क्या, रिपीट तो नहीं करना इसको, जूम पे बताएं कि इसको रिपीट तो नहीं कराना। हाँ जी, चले एग्जॉन टर्मिनल, चल एग्जॉन टर्मिनल, द एग्जॉन टर्मिनल सिनेप्टिक टर्मिनल, इसको सिनेप्टिक टर्मिनल भी कहते हैं, इज द एंड ऑफ द एग्जॉन दैट इज फॉर्म्स जंक्शन, सिनेप बनाता है विद एंड द न्यूरोनल मस्कुलर और ग्लैंडुलर सेल के साथ। एग्जॉन टर्मिनल परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, कौन कौन से जी? पहला देखिए, when a depolarization wave from the axon reaches the axon terminal, it activates the voltage gated calcium channels, calcium अंदर दाखिल होगा और आपके neurotransmitter neurotransmitter containing जो vesicles होती हैं और उसको membrane के साथ attach करवाएगा। कैसे? calcium ions help करते हैं fuse को, V snares को जो कि आपके vesicles के ऊपर होती हैं और T snares protein को जो कि आपके cell membrane के axon की cell membrane के ऊपर होती हैं। ये जब fusion होती है तो release of neurotransmitter होता है from vesicles into the synapse, where neurotransmitter जो है ना वो जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है वी डेंड्राइट्स या सेल बॉडी, या फिर अगर आपके मस्कुलर और ग्लैंडुलर सेल्स हैं तो वो अपने ही रिसेप्टर के जरिए उसको न्यूरोट्रांसमीटर को वसूल करते हैं। समझ आ गया? अब न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक, आफ्टर द न्यूरोट्रांसमीटर हैज परफॉर्म्ड देयर फंक्शन, उनका फंक्शन क्या, स्टिमुलेशन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर स्टिमुलेशन ऑफ मस्कुलर या फिर ग्लैंडुलर सेल्स, उनकी जब दे नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिनेप्स, उनको रिमूव करना है अब हमने, तो कैसे रिमूव करते हैं, डिग्रेडेशन, दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन आर इन द स्नैप, रीअपटेक होता है दूसरा ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है रीअपटेक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, ये पिक्स अप द न्यूरोट्रांसमीटर एंड ब्रिंग्स देम बैक इनटू द सेल दैट आर ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द सेल बॉडी वी आर रिट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट फॉर रीसाइक्लिंग और डिग्रेडेशन बाय लाइसोसोम। अच्छा, कुछ ड्रग्स ये सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक प्रोटीन इनहिबिटर्स ब्लॉक दीज रीअपटेक प्रोटीन्स रिजल्टिंग इन मोर न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर मोर स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स मसल्स और ग्लैंड्स। अब ये ड्रग्स क्या होती है, सिलेक्टिव ये होती है ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब एक्सॉन हेलिक ये मैंने नहीं बताया था, तो इट इज द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूरॉन वेयर द एक्सॉन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेल बॉडी, है ना, यहाँ से सेल बॉडी से एक्सॉन निकलता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द न्यूरॉन वेयर द एक्सॉन बिगिंस, जहां से एक्सॉन बिगिन होता है ये उसकी वो वाली जगह है। इट कंटेन्स वोल्टेज ग्रेटेड सोडियम चैनल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है दोबारा एक्सॉन के अंदर, पीछे से पोटेंशियल आएगा सेल बॉडी से और यहाँ से इनिशिएट होगा और एक्सॉन की तरफ आगे प्रोपिगेट होगा। समझ आ गया भाई? yes, पक्की बात है? yes, आगे है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, इसकी तीन क्लासिफिकेशन है, और फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, इसकी भी तीन क्लासिफिकेशन है, ये कर लें कि काफ़ी है, काफ़ी है, देख ले डॉक्टर अरसलान आप अपना बताएं, आपके जूम पे बताएं करना है कि नहीं करना, जूम वाले बताएं सारे कि आगे जो ये रहता है ये कर लें या फिर काफ़ी है, डॉक्टर जुबैर कहते हैं इनफ है, बताएं, मेरी सजेशन है कर लेते हैं यार, कोई तो रिस्पांस करो, मैक्सिमम 20 मिनट लगने हैं, मैक्सिमम 20 मिनट लगने हैं, मैं तो कहता हूँ कर लेते हैं, डॉक्टर रबे कहते हैं काफ़ी है यार, 20 मिनट लगने हैं कर लेते हैं, मेरा तो मूड है कराने का आज, हैं पक्का मूड मैंने बनाया हुआ है, हैं जैसे आप कहें, तो मैं तो कहता हूँ कर लेते हैं, चले कर लेते हैं, चले देख कर लेते हैं, अब चले कर लेते हैं, सब कह रहे हैं कर लेते हैं डॉक्टर जुबैर, बस कंप्रोमाइज़ कर ले थोड़ा सा, समझ ना तो मेरे पैसे वापस कर दीजिएगा आप, ठीक है, चले स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर के एतबार से इसकी तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड ज़ूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। पहले हम पढ़ते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैव मैनी डेंड्राइटिक प्रोसेस, ये देखिए आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, वो ऐसा न्यूरॉन होता है जिसके जो डेंड्राइट्स हैं वो मोर देन थ्री होते हैं, प्लस थ्री होते हैं,
एक सेल बॉडी होती है, एक क्या होता है, एक्सॉन होता है. दिस इज कॉल्ड मल्टीपल न्यूरॉन. सो सिंपल, कूल एंड काम. अब ये तो सबको आता होता है कि सर जी मोर डेंड्राइट्स, वन एक्सॉन, वन सेल बॉडी, मल्टीपल न्यूरॉन. इसके बारे में कोई हमें यूनिक चीज बताए, इंपॉर्टेंट चीज बताए. तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ये फाउंड कहाँ पे होता है, आपकी बॉडी में ये कहाँ पे पाए जाते हैं. तो दो तरह की आप लोकेशन की याद रख ले. दीज आर फाउंड इन एरियाज, ये उन एरिया में पाए जाते हैं जिन एरियाज में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सी जगहों से लेनी होती है, क्योंकि इनके डेंड्राइट ज्यादा है. तो ये वाला डेंड्राइट एक जगह से इन्फॉर्मेशन लेगा, ये वाला डेंड्राइट दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन, ये तीसरी जगह से, ये चौथी से, ये पांचवी से. तो जिन न्यूरॉन्स को बहुत सी प्लेसेस से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो उनके डेंड्राइट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो वो मल्टीपोलर होते हैं. तो ये किन जगह पे पाए जाएंगे, उन जगह पर जहां से इन्फॉर्मेशन बहुत जगहों से आती है, जहां पर, ठीक है. तो वो जगह कौन कौन सी होती है, वो दो जगह मैं आपको बता रहा हूं. पहली आपका मोटर कॉर्टेक्स, दूसरी आपकी सेरिबेलम. अब जो मोटर कॉर्टेक्स है उसके पास इंफॉर्मेशन कहां कहां से आती है. उसके पास सबसे पहली बात, जो मोटर कॉर्टेक्स है ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सेंसरी कॉर्टेक्स, जो आपकी पेरिटियल लोब होती है. कौन सी पहली बात पेरिटियल लोब के अंदर आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, वो यहां से आती है पेरिटियल लोब से, और कहां पे आती है, आपके मोटर कॉर्टेक्स में. तो मोटर कॉर्टेक्स का एक डेंड्राइट इसको वसूल कर लेगा. दूसरी चीज आपके बेसल गैंग्लिया, जो कि आपकी बेस में पड़े होते हैं, यहां पे पड़े बेसल गैंग्लिया. तो बेसल गैंग्लिया से भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी कौन वसूल कर लेता है, दूसरी चीज बेसल गैंग्लिया. वो भी इसी के पास जाती है, मोटर कॉर्टेक्स के पास, वो फिर दूसरे एग्जाम के जरिए वसूल कर लेता है. तीसरा फ्रॉम सेरिबेलम, ये आपके सेरिबेलम से भी इन्फॉर्मेशन आती है इसके पास, तो वो भी इसको क्या कर लेता है, वसूल कर लेता है. तो आप देखें मोटर कॉर्टेक्स के पास तीन जगहों से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इसलिए इसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसके पास मल्टीपोलर क्या होने चाहिए, डेंड्राइट्स, ज्यादा डेंड्राइट्स होने चाहिए, इसलिए ये क्या होता है, मल्टीपोलर, ठीक है. इसको मैं जूम करके मैं आपको इस डायग्राम से मैंने कोशिश करता हूं कि अगर देखें मैं कहता हूं ये आपका क्या है, मोटर कॉर्टेक्स. तो मोटर कॉर्टेक्स एक इन्फॉर्मेशन लेगा आपके बेसल गैंग्लिया से, कैसे, बेसल गैंग्लिया से. और दूसरा ये इन्फॉर्मेशन कैसे ले रहा है, आपके जो है ना सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है फ्रॉम पेरिटियल लोब से, ये कैसे ले रहा है, पेरिटियल लोब से सेंसरी इन्फॉर्मेशन. और तीसरा ये इन्फॉर्मेशन ये आपका सेरिबेलम है, तीसरी इन्फॉर्मेशन कैसे ले रहा है, सेरिबेलम से. तो इसके ये तीन डेंड्राइट्स होंगे, तीन जगहों से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, फिर इधर डिसीजन लेगा अपने अंदर मोटर कॉर्टेक्स, फिर उस डिसीजन को एक ही एग्जॉन के जरिए नीचे भेजेगा. है बंडल ऑफ एग्जॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड In the central nervous system, bundle of neurons, axons in the central nervous system is called white matter. तो इस तरह ये white matter बनेगा और white matter बाहर information लेके जाएगा. तो ये motor cortex, समझ आ गया? Multipolar होता है. दूसरी example है इसकी cerebellum. Cerebellum के अंदर भी होता है. अब cerebellum ने information कहाँ से लेनी होती है? Cerebellum ने भी तीन जगहों से information लेनी होती है. Cerebellum का जो neurons होते हैं उनको हम Purkinje cells भी बोलते होते हैं. क्या बोलते होते हैं? Purkinje cells भी बोलते होते हैं. अब ये तीन जगहों से information लेता है जी. पहला ये information लेता है from spinal cord. सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, कि एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से, वो भी इसके पास आएगी. दूसरा इसके पास मोटर इन्फॉर्मेशन आती है फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स. और तीसरा, चलो यार यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, देखें पहली सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से. स्पाइनल कॉर्ड से जो असेंडिंग ट्रैक होते हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं. तो पहला तो यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी, दूसरा यहाँ पे आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऊपर से तो मोटर इन्फॉर्मेशन आती है, ये मोटर इन्फॉर्मेशन भी वसूल करता है. दूसरी चीज, तीसरा ये क्या करता है, आपका जो इनर एयर होता है, क्या होता है, इनर एयर, उसमें जो वेस्टिबुलर इन्फॉर्मेशन होती है आपके इक्विलिब्रियम की इन्फॉर्मेशन, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन यहां से आती है इनर एयर से, वो भी कहां पे आती है, इसी के पास आती है. अब इसके पास तीन तरह की इन्फॉर्मेशन, तो थ्री प्लस इसके क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर ये डिसीजन लेगा, और फिर आपका बैलेंस, कहते हैं ना कि जो सेरिबेलम होता है वो बैलेंस को करता है, और इनर एयर में जो वेस्टिबुल होता है वो भी बैलेंस को करता है. तो इस तरह ये आपस में कोरिलेट करके काम करते हैं. फिर ये एक ही एग्जॉन के जरिए आपको क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, और वो व्हाइट मैटर के जरिए बाहर निकलेगी कि कैसे बैलेंस मेंटेन रखना है, ठीक है. तो इस तरह ये क्या होता है, मल्टीपोलर होता है. तो सेरिब्रम इसकी एग्जाम्पल है, और मोटर कॉर्टेक्स. तो अगर कोई पूछे कि मोटर कॉर्टेक्स में कौन से टाइप के न्यूरॉन होते हैं, आप कहेंगे सर जी मल्टीपोलर. और वो कहेंगे मल्टीपोलर का मतलब क्या है, आप कहेंगे ये तीन जगहों से इन्फॉर्मेशन लेता है, पेरिटियल लोब से, बेसल गैंग्लिया से, और सेरिब्रम से, और फिर एक ही एग्जाम के जरिए इन्फॉर्मेशन भेजता है. और दूसरा कहां पे होता है, सेरिबेलम में. सेरिबेलम तीन तरह की इन्फॉर्मेशन लेता है, पहली कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मोटर उधर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कौन सी इन्फॉर्मेशन, मोटर इन्फॉर्मेशन, और तीसरा आपकी वेस्टिबुलर से आपकी बैलेंस इन्फॉर्मेशन लेता है वहां से, ठीक है. और फिर एक एग्जाम के जरिए बाहर भेजता है. आई होप कि आपको समझ आ गया. हो गया क्लियर डॉक्टर जुबैर, समझ आ गया? देखिए आपको पैसे वापस नहीं करने पड़ रहे हैं, समझ आ रहे हैं आपको, आपके पैसे बचा रहा हूँ मैं यार. और क्या चाहिए आपको?
नहीं है आजकल पैसे यार, अल्लाह का हाँ जी लाखों में खेल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा क्या कर रहे हैं यार। अब दूसरे आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स, अब बाइपोलर न्यूरॉन बड़े आसान से होते हैं, सुन ले। इसका एक डेंड्राइट होता है, एक सेल बॉडी होती है, और एक क्या होता है इसका एग्जॉन होता है। दीज आर कॉल्ड दी बाइपोलर। एक एक हर कुछ एक एक होगा, सब कुछ एक एक होगा, इसको हम क्या बोलेंगे बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन्स बोलेंगे इसको हम। और ये मोस्टली फाउंड कहाँ पे होते हैं, ये आर फाउंड इन स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स, जो आपके स्पेशल सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये आपके रेटिना में होते हैं, ये आपके ऑल्फैक्टरी नर्व, इसकी एट द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, एट द रूफ ऑफ नेजल कैविटी, जो स्मेलिंग में आपके न्यूरॉन्स होते हैं उधर होते हैं, और जो इनर एयर में होते हैं उनमें होते हैं, ठीक है। अब इनर एयर से जो इंफॉर्मेशन जा रही थी वो किसके पास जा रही थी, आपके सेरिब्लम के पास, और सेरिब्लम में कौन से होते हैं मल्टीपल, और जो इनर एयर के अंदर खुद होते हैं वो कौन से होते हैं बाइपोलर। पॉइंट टू बी टेट्रा नोटेड, चार बार नोट करें पॉइंट को, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसके बाद है आपका जूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। इसको जूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जरा डिफरेंस होती है। इसके पास कोई प्रॉपर ना तो एग्जॉन होता है, ना ही कोई प्रॉपर इसके पास डेंड्राइट्स होते हैं। इसके पास ये देखें एक सेल बॉडी होती है, फिर उस सेल बॉडी से एक प्रोसेस आपकी जो सेंसरी से, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आता है, एक उस तरह का प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोसेस। और एक जो सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन है एग्जॉन की शक्ल में आगे लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, दैट इज कॉल्ड योर सेंट्रल प्रोसेस। तो इसके दो तरह के होते हैं, एक सेल बॉडी, एक पेरिफेरल प्रोसेस जो कि डेंड्राइट्स लाइक होता है, और एक सेंट्रल प्रोसेस जो कि आपके एग्जॉन लाइक होता है, ठीक है। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हैं, और ये मोस्टली कहां पे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं एक स्पेस से दूसरी जगह पर, और ये मोस्टली कहां पे होते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। कैसे डॉर्सल रूट गैंग्लिया, यहां ये डायग्राम बनाई हुई है मैंने, मैं इसको जूम कर रहा हूं, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया में होते हैं, और दूसरा आपकी क्रैनियल नंबर 5 उधर भी होते हैं, वो भी बताता हूं। देखें इसमें देख लें कि ये आपका क्या है स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर ये क्या है उसका ग्रे मैटर। डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है, पहले ये समझ लें कि पीएनएस के बाहर क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज पड़ी होती है, इधर क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, आउट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड गैंग्लिया, और इनसाइड क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड ग्रे मैटर। अब ये आउटसाइड पड़ा हुआ है उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं गैंग्लिया। अब इस गैंग्लिया में सेल बॉडीज हैं, उन सेल बॉडीज से इस तरफ एक प्रोसेस होगा, दैट इज कॉल्ड योर पेरिफेरल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड योर पेरिफेरल प्रोसेस। पेरिफेरल प्रोसेस इधर स्किन से या किसी भी जगह से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेगा, पेरिफेरल प्रोसेस वो गैंग्लिया के अंदर पड़े हुए जो सेल बॉडीज हैं उनको देगा, फिर उन सेल बॉडीज से इंफॉर्मेशन जाएंगी आपके सीएनएस के अंदर, किसके जरिए सेंट्रल प्रोसेस के जरिए, क्योंकि ये सीएनएस की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेस बोलते हैं। और इसको पेरिफेरल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेरिफेरल एरिया से इंफॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और इसको डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका डॉर्सल हॉर्न होता है ना उसके पास पड़ा होता है, तो इसलिए इसको डॉर्सल रूट बोलते हैं। और गैंग्लिया गैंग्लिया हो गया क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, तो इसको डॉर्सल रूट गैंग्लिया बोलते हैं, और आउट ऑफ सीएनएस होता है, इसलिए इसको गैंग्लिया बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को, समझ आ गया। दूसरा ये देख लें, ये होता है क्रैनियल नर्व नंबर 5 की ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। अब ये भी गैंग्लिया है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज है, क्या है क्लस्टर ऑफ, ये गैंग्लिया आपका क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज है, इधर पीछे इसका न्यूक्लियस होता है ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस कौन सा होता है, न्यूक्लियस का क्या मतलब है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बट दैट आर एम्बेडेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अगर आउटर हो तो कॉर्टेक्स होते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे जो नर्व निकल रही है वो क्या बना रही है आपकी फिफ्थ क्रैनियल नर्व बना रही है, तो इसको हम ट्राइजेमिनल नर्व, तो इसको हम ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर ट्राइजेमिनल, ये ट्राइजेमिनल आपकी न्यूक्लियस हो गया, इससे जो नर्व निकलेंगी वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व बनाएंगी। ट्राइजेमिनल नर्व के आगे आपका गैंग्लिया होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। इसको ट्राइजेमिनल गैंग्लिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होती है, क्या होती है क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होती है। अब लेकिन आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो गैंग्लिया बोलेंगे। अब इसकी तीन ब्रांचेस होती है, अब इस न्यूक्लियस से तीन ब्रांचेस निकलती है, ऑफ्थल्मिक मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, तीन होती है। ये देखें, एक आपकी ऑफ्थल्मिक मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, तीन निकलेंगी, ऑफ्थल्मिक मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, कैसे निकलेंगी आपके गैंग्लिया से, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया से। अब इसके अंदर क्या है, सेल बॉडी है, ये क्या है उसका सेंट्रल प्रोसेस है, और ये तीनों क्या है उसके पेरिफेरल प्रोसेस है। अब यूं ना कहें कि सर जी इसके तो तीन पेरिफेरल प्रोसेस है, नहीं, इधर तो बहुत सी अंदर पड़े हुए हैं ना न्यूरॉन्स, बहुत से न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं इसके अंदर ना, तो हर न्यूरॉन की एक एक होती है, हर न्यूरॉन की एक एक होती है, तो स्पेसिफिक न्यूरॉन स्पेसिफिक ब्रांच बना देते हैं, समझ आ रहा है डॉक्टर जुबैर। तो
अब ये क्या करेगा, इधर से ऑफ्थल्मिक हो, मैंडिबुलर हो, या फिर आपकी मैक्सिलरी हो, कोई भी हो, ये ब्रांचेस यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी और सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी को देंगी, गैंगलिया के अंदर डालेंगी, गैंगलिया से सेंट्रल प्रोसेस के जरिए वो किसके पास जाएंगी, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के पास जाएंगी, जो अपना एक्शन दिखाएगा। समझ आ गया? पक्की बात है? वेरी गुड, अगर आपको समझ आ गया तो ये थे आपके जूडो यूनिपोलर। तो देखें, cluster of cell bodies that are located outside of the CNS receive sensory information via peripheral process, transmit to the cell body and eventually into the cell via central process. Dusra, cranular number 5 ganglia is the cluster of cell bodies that receive sensory information via peripheral process from three divisions, ophthalmic se, maxillary se and mandibular se, that picks sensation from the face ki tinu, ye tinu face se information pick karte hai, tinu. Then these sensation travel from the cell body into the trigeminal nucleus into the brain, in the brain stem. ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस ब्रेन स्टेम में होता है via सेंट्रल प्रोसेस, वो आगे इंफॉर्मेशन शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, ये आसान सी है, फिर दूसरी रह गई है बस, ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, ये भी तीन तरह की होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। मजे की बात बताऊं, ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दी थी कल इंट्रोडक्शन में, ऐसे अपेक्ट करेंगे, देखिएगा। पहले आपकी होती है सेंसरी, सेंसरी को एफरेंट भी न्यूरॉन्स भी बोलते होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेके आता है टूवर्ड्स, और मोटर को इफरेंट भी बोलते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है दूर। तो देखें, इनकी डिवीजंस हैं, मैंने कल पढ़ाई हुई है, फिर इनकी वो क्या कहता है, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दीज आर डिफरेंट टाइप्स, जनरल विजरल इफरेंट, जनरल विजरल इफरेंट, इफरेंट है, इफरेंट इफरेंट, ये वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को आपके इंटरनल ऑर्गन से लेके आते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं, किसकी तरफ, क्योंकि ये आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एफरेंट बोलेंगे न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलेंगे। लेकिन इनको जनरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी के किसी भी पार्ट से लेके आ सकते हैं, कल मैंने पढ़ाया था। और विजरल क्यों है, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन से लेके आ रही है, कैसे लेके आ रही है, इंटरनल ऑर्गन से लेके आ रही है, और यानी विजरल ऑर्गन से। और स्मूथ मसल तो उसी के होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्मूथ मसल होते हैं, आपके लंग्स में स्मूथ मसल होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल होते हैं, आपके हार्ट में स्मूथ मसल होते हैं, तो वो आपके विजरल ऑर्गन्स है ना, तो उनसे जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आती है ये एफरेंट, उनको हम बोलते हैं जनरल, के कहीं से भी लेके आ रही है लेकिन विजरल ऑर्गन से लेके आ रही है, तो जनरल विजरल एफरेंट। दूसरा आपका जनरल सोमेटिक एफरेंट, ये भी कल मैंने पढ़ाया था, ये वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं आपकी स्किन से और लोकोमोटर सिस्टम से, है ना, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से, मसल, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जो कि आपकी सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है, तो जनरल है, कहीं से भी लेके आ रही है लेकिन सोमेटिक यानी कि सुपरफिशियल लेके आ रही है। दूसरी आपकी होती है स्पेशल सेंसरी एफरेंट, वैसे स्पेशल सेंसरी में सब आ जाती है लेकिन मोर एक्यूरेटली अगर हम कहें तो आईज और इनर से, जो इनर ईयर से जो लेके आएंगे, आईज और इनर ईयर से। फिर आगे होती है स्पेशल विजरल एफरेंट, है तो स्पेशल लेकिन विजरल होंगे, अब जो अंदर की तरफ है वो कौन से होते हैं, अंदर की तरफ स्मेल, टेस्ट फ्रॉम द नोज एंड माउथ, तो ये आपकी सेंट्रल सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल विजरल, चार टाइप्स, ठीक है। उसके बाद मोटर है, ये इन्फॉर्मेशन लेके आए सीएनएस में, अब मोटर क्या करेंगे, इससे लेके जाएंगे, अब वो किस की तरफ लेके जाते हैं, उसकी बिना पर उनकी डिवीजन है। पहला अगर वो कैरी, अगर पहला जनरल विजरल इफरेंट, अगर वो इन्फॉर्मेशन बॉडी के किसी भी पार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं लेकिन वो पार्ट कौन से, ऑटोनोमिक है, वो पार्ट कौन से, ऑटोनोमिक है और इंटरनल ऑर्गन्स है, स्मूथ मसल्स है, फिर वही बात, वो वहां से लेके आ रहा था ये उनकी तरफ लेके जा रहा है, और ग्लैंड्स की तरफ लेके जा रहा है, तो ये विजरल है, जनरल विजरल, और जनरल सोमेटिक, फिर वही बात, टू द स्केलेटल मसल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। अब स्पेशल विजरल इफरेंट, ये वो वाली है जो फ्रॉम द सीएनएस थ्रू द क्रेनियल टू द मसल्स इन द हेड एंड नेक, इन मसल्स की तरफ लेके जाती है, किन की तरफ लेके जाती है। अब ये होता वैसे बेसिकली क्या है कि आपकी ये नर्व्स होती है, कुछ स्पेशल नर्व्स, ये नर्व्स क्या करती है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेती है, स्पेशल नर्व्स होते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं स्पेशल, और विजरल ऑर्गन्स होते हैं, विजरल मसल्स होते हैं, उनकी तरफ लेके जाती है, ठीक है, तो उनको हम स्पेशल विजरल इफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो स्पेसिफिक नर्व्स होती है आपकी, जैसे क्रैनियल नर्व 5, 7, 9, 10, तो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स है ना, तो ये स्पेसिफिक न्यूरॉन्स स्पेसिफिक आर्च की तरफ लेके जाती है, फ्रेंजल आर्चेस पढ़ी नहीं आपने, मैंने पढ़ाई थी बार बार, पीछे भी पढ़ाई है, तो ये क्रैनियल नंबर 5 एक स्पेसिफिक फ्रेंजल आर्च 1 की तरफ लेके जाती है। अब फ्रेंजल आर्च 1 से हमेशा आपके मसल ऑफ मेस्टिकेशन बनते होते हैं, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि क्रैनियल नंबर 5 सप्लाइज द मसल ऑफ मेस्टिकेशन। नंबर 7 क्रैनियल नंबर 7 फ्रेंजल आर्च 2 को मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, क्रैनियल नंबर 9 फ्रेंजल आर्च 3 स्टेलो फ्रेंजियस, और क्रैनियल नंबर 10 फ्रेंजल आर्च 4th एंड 6th मसल ऑफ फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, तो इसलिए हम इनको स्पेशल विजरल इफरेंट बोलते होते हैं। समझ आ गया?
आपने नहीं पढ़ा था पीछे, हमने कहा था फ्रेंजल आर्च के पेयर्स होते हैं। जब आपका एक एम्ब्रियो बन रहा होता है ना एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो में फ्रेंजल आर्चेस बनती है इस तरह की। फिर इन फ्रेंजल आर्च से डिफरेंट चीजें बनती हैं, उनमें से कुछ ये चीजें भी बनी हुई है, उसने बनाई हुई है। पीछे हमने फ्रेंजल आर्च को डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। ये आर्चेस होती है, 5 पेयर होते हैं इनके, ठीक है, ठीक है, कुछ समझ आ गया। अब इंटरन्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स, ओ यार मजे की बात है, इंटरन्यूरॉन्स क्या होते हैं और कुछ भी नहीं होते। वो कहते हैं जी, वो इस डायग्राम को देख लें, सब समझ आ जाना। वो कहते हैं जी इधर मेरे पास स्किन थी, यहां से मैं इंफॉर्मेशन लेके आया, इधर कौन से न्यूरॉन की टाइप होगी बताया मुझे, स्ट्रक्चरल सेंसरी तो होंगे, टाइप कौन सी होगी, स्ट्रक्चरल मल्टीपोलर होंगे, बाईपोलर होंगे, जूनो यूनिपोलर होंगे, मल्टीपोलर। डॉक्टर जुबैर, दैट आर मूविंग टूवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। यार मैंने अभी इसको एक्सप्लेन भी किया, ये देखे, ये देखें डॉक्टर जरात, ये देखें यार, ये वाले जूडो यूनिपोलर नहीं है, जूडो यूनिपोलर मैंने बताया भी है ऊपर, हैं भूल गए, भूल गए। तो ये जूडो यूनिपोलर पेरिफेरल प्रोसेस के लेके जाएंगे डोर्सल गैंगलिया के अंदर, फिर डोर्सल गैंगलिया से सेंट्रल प्रोसेस के जरिए कहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर, किसके किसके पास जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगा, डिसीजन लेने के बाद अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई थी, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मोटर में कैसे शिफ्ट हो जाती है, सोचने की बात है कि यार इन्फॉर्मेशन तो सेंसरी से गई थी, सेंसरी से वो किस में शिफ्ट हो गई, मोटर कार्ड में। तो अंदर स्पाइनल कार्ड ने डिसीजन लिया, तो अंदर जो सीएनएस के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स, वो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन यहां से उसने ली और इंटर न्यूरॉन्स से इन्फॉर्मेशन उसने कहां शिफ्ट कर दी, मोटर न्यूरॉन्स में, और मोटर न्यूरॉन्स फिर आगे लेके जाता है, समझ आ गई है। तो इंटर न्यूरॉन्स एज ए रिले सेंटर काम करते हैं, एज ए रिले सेंटर, कि इंफॉर्मेशन को ये कनेक्ट करते हैं सेंसरी को और मोटर को। लेकिन खास बात यह है कि इंटर न्यूरॉन्स सिर्फ और सिर्फ सीएनएस के अंदर होते हैं, उससे बाहर नहीं होते, ठीक है। तो ये उसकी मैंने एग्जांपल भी बता दी और यहाँ पर समझा भी दिया कि वो क्या होते हैं, समझ आ गया कि नहीं समझ आया, मैं इसकी रीडिंग करा देता हूँ। देखें, न्यूरॉन्स दैट रिले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन्स एंड आर फाउंड ओनली इन सीएनएस, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स पाथवे इन द स्पाइनल कॉर्ड, इंटर न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड रिले द सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द मोटर न्यूरॉन्स दैट कैरी मोटर इन्फॉर्मेशन टुवर्ड द इफेक्टर्स। ये उसने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, क्या लिखा हुआ है इसमें, समझ आ गया। अब एक चीज़ है जो क्वेश्चन भी आ जाता है यूएसएमएल में कभी कभी, मैंने लिख दिया है, न्यूरॉन मार्कर्स होते हैं कुछ, दीज आर द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन्स, ये वो वाली प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपका न्यूरॉन अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और इन्हीं प्रोटीन को जब हम एक्सप्रेस की हुई हो तो इन्हीं प्रोटीन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यूरॉन की कौन सी टाइप है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की कौन सी टाइप है, क्या है, कैसे है, ठीक है, ठीक है। इसमें दो तरह के न्यूरो मार्कर्स उसने आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है बताए हुए हैं, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स वही आपकी साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होती है जैसे मैक्रोट्यूबुल वो वाली प्रोटीन्स, और दूसरी होती है आपकी स्नेप्टोफाइजन प्रोटीन, ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है दैट इज फाउंड मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स। मैंने कहा था ना कि वी स्नेयर्स होती हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स के ऊपर जो टी स्नेयर्स के साथ कनेक्ट होती हैं। अब जो वी स्नेयर्स होती हैं इनमें मजीद एक स्पेसिफिक नाम होता है दैट इज कॉल्ड योर स्नेप्टोफाइजन प्रोटीन। अब ये स्नेप्टोफाइजन प्रॉपर एक प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन भी क्या करता है, ये भी उसकी क्या होती है, न्यूरॉन मार्कर होते हैं दो वाली। तो बस आप इसमें यार कुछ भी याद ना रखें, इसमें सिंपल आप इतना याद रखें कि न्यूरॉन मार्कर वो होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है न्यूरॉन अपने सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करता है, और जो न्यूरॉन मार्कर में अगर दो नाम आपको ये याद होने चाहिए, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स और स्नेप्टोफाइजन प्रोटीन, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, देखें 20 मिनट भी नहीं लगाया, मैंने खत्म कर दिया। डॉक्टर जुबैर को समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरे पैसे वापस करें। डॉक्टर जुबैर समझ, जूम पे सबको समझ आ गई है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। चले फर्स्ट एड से रीड करा देता हूँ मैं आपको जल्दी से, फर्स्ट एड आपको बहुत अच्छा लगेगी। आप कहेंगे सर जी फर्स्ट एड में तो लिखा ही कुछ नहीं हुआ था। वो कहता है सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो सबको पता है सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ये परमानेंट सेल्स होते हैं, डिवाइड नहीं होते डेंड्राइट में। सिग्नल रिलेइंग सेल्स विद डेंड्राइट्स, यानी डेंड्राइट से सिग्नल वसूल करते हैं इनपुट सिग्नल, सेल बॉडीज उसको प्रोसेस करती हैं और एग्जॉन से वो सेंड आउटपुट करती हैं। सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स कैन बी सीन इन निजल स्टैंडिंग निजल ग्रैन्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के जो है ना वो एग्जॉन में नहीं होता तो वो स्टेन नहीं होता, और न्यूरॉन मार्कर्स न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन और स्नेप्टोफाइजन प्रोटीन होती है, ठीक है। कल हम कोशिश करते हैं कि पहले जो है ना ये पढ़ लें, ये सेल्स पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लें न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि हमने आज एक्शन पोटेंशियल को छेड़ा है थोड़ा सा, और जो फर्स्ट एड में एक्शन पोटेंशियल लिखा गया है उतना तो मैंने आपको आज भी बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कल मैं आपको डिटेल में बता दूँ, फिर हम न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल कल पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो सेल्स हैं सारे एस्ट्रोसाइट्स मैक्रोग्लिया आपके एपिडर्मल सेल्स माइलिन सेल्स श्वान सेल्स
इनको हम फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट इनको हम डिटेल में देखेंगे फिर, ठीक है? तो कल हम एक्शन प्रेशर करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज क्लास डिसमिस। जूम पे सबको समझ आ गया, क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज क्लास डिसमिस। और मैंने वो भी कहा था कि जिनकी 3 दिन की ट्रायल क्लासेस हो गई है वो तो ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स जो है ना वो फिर अपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन पे कर दें ताकि वो क्लासेस की एक्सेस गेन कर सके फर्दर। चलिए ओके, क्लास डिसमिस।